I am Bhawini Sharma, lecturer in civil engineering from Government RC Khaitan Polytechnic College Jaipur. Aaj hum CE304 surveying second ke vernier transit theodolite ke upar discussions karenge. A theodolite is an instrument which is used to measure horizontal angles, vertical angles, deflection angles for measuring the bearing of a line, ranging and prolonging a line, etc. Ek theodolite ke वेरियस पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले किसी रिक्वायर्ड स्टेशन के ऊपर हम ट्राइपॉड को सेट करते हैं और ट्राइपॉड के लेग्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट अप्रॉक्सीमेटली लेवल रहे. द बॉटम मोस्ट प्लेट जो कि ट्राइपॉड से कनेक्टेड रहती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिवेट. इसके ऊपर तीन लेवलिंग स्क्रूज होते हैं जो हमें इंस्ट्रूमेंट लेवल करने में हेल्प करते हैं. इन लेवलिंग स्क्रूज के ऊपर एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है जिसके तीनों एंड्स पे लेवलिंग स्क्रूज कनेक्टेड रहते हैं. इस ट्रायंगुलर प्लेट को हम बोलते हैं ट्राइब्रैक प्लेट. ट्राइब्रैक प्लेट, लेवलिंग स्क्रूज और ट्रिवेट, इन तीनों को हम कंबाइंडली बोलते हैं लेवलिंग हेड. लेवलिंग हेड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल होता है जिसे हम लोअर प्लेट कहेंगे. लोअर प्लेट में 0 डिग्री से 360 तक के ग्रेजुएशंस होते हैं जो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क रहते हैं. लोअर प्लेट के ऊपर अपर प्लेट है जिसके अंदर वर्नियर ए और वर्नियर बी रहते हैं जिसके थ्रू हम लोग ग्रेजुएशन से रीडिंग्स नोट कर सकते हैं. वर्नियर ए और वर्नियर बी डायगनली ऑपोजिट रहते हैं. लोअर प्लेट के साथ लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर प्लेट के साथ अपर क्लैंप स्क्रू रहता है जिसकी मदद से हम लोअर प्लेट और अपर प्लेट को रिस्पेक्टिवली क्लैंप कर सकते हैं. स्केल को बहुत फाइन एडजस्टमेंट्स देने के लिए टेंजेंट स्क्रूज दे रखे हैं. जैसे लोअर प्लेट के साथ लोअर टेंजेंट स्क्रू है और अपर प्लेट के साथ अपर टेंजेंट स्क्रू है. जब हमें बहुत माइल्ड रोटेशन देना होता है या फाइन एडजस्टमेंट करना होता है स्केल का, तब हम टेंजेंट स्क्रूज काम में लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वर्नियर ए और इसके डायगनली ऑपोजिट है वर्नियर बी, और इन आई पीस की हेल्प से हम हमारी आई के अकॉर्डिंग फोकस करके इसमें से ग्रेजुएशंस और रीडिंग्स नोट कर सकते हैं. वर्नियर स्केल के ऊपर एक बबल ट्यूब प्रोवाइडेड है जिसके अंदर एक बबल है, एयर बबल. इस बबल को हम इन लेवलिंग स्क्रूज की हेल्प से एज अ टेम्परेरी एडजस्टमेंट इसको सेंटर में लेकर आते हैं और हम इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं. ए शेप के दो फ्रेम्स हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड फ्रेम या ए फ्रेम बोलते हैं. ये टेलीस्कोप को, वर्टिकल सर्कल को और वर्नियर स्केल्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइडेड रहते हैं. देन कम्स अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप में जो ग्लास हमारे आई के पास रहता है इसे हम बोलते हैं आईपीस. इसे हम अपनी आई के अकॉर्डिंग फोकस कर सकते हैं. ये है ऑब्जेक्टिव ग्लास. इसे फोकस करने के लिए ऑब्जेक्टिव फोकसिंग स्क्रू प्रोवाइडेड है और टेलीस्कोप को क्लैंप करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू. एंड जैसा कि पहले हमने देखा था टेंजेंट स्क्रू, स्लाइट एडजस्टमेंट्स के लिए टेंजेंट स्क्रू प्रोवाइडेड है. Therefore, टेलीस्कोप के साथ क्लैंपिंग स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू प्रोवाइडेड है. वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के साथ रिजिडली फिक्स रहता है. जैसे टेलीस्कोप मूव करेगा, वर्टिकल सर्कल मूव करेगा. वर्टिकल सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और हर क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्रीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ग्रेजुएटेड रहता है. सपोज कि ये हमारा टेलीस्कोप है जिससे वर्टिकल सर्कल कनेक्टेड है. इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं 0 और 90 डिग्रीज के. 0 मार्क्स हमारे वर्टिकल सर्कल के हॉरिजॉन्टल डायमीटर के एंड्स पे मार्क्ड रहते हैं और जो लाइन इन 0 मार्क्स को ज्वाइन करती है इसे हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं. वर्टिकल सर्कल भी टेलीस्कोप के साथ प्रोवाइडेड क्लैंपिंग स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से एडजस्ट किए जा सकते हैं. देन इज योर इंडेक्स फ्रेम और टी फ्रेम. इंडेक्स फ्रेम में
दो वर्नियर्स हैं, दो वर्नियर विंडोज हैं सी एंड डी, जिसके थ्रू हम रीडिंग्स लेंगे, और इसके वर्टिकल लेग पे एक क्लिप स्क्रू अटैच रहता है। क्लिप स्क्रू इंडेक्स बार के हॉरिजॉन्टल लेग को हॉरिजॉन्टल रखने के या ऑल्टीट्यूड बबल के बबल को सेंटर में लाने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑल्टीट्यूड बबल एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेट बबल होती है, जिसके बबल को ऑल्टीट्यूड बबल कहा जाता है, और वो इंडेक्स बार के हॉरिजॉन्टल लेग के ऊपर माउंटेड रहती है। ऑल्टीट्यूड बबल को सेंटर में हम तब लाते हैं क्लिप स्क्रू की हेल्प से, जब हमें वर्टिकल एंगल्स का मेजरमेंट करना होता है। कई थियोडोलाइट्स के अंदर कंपास ऑलरेडी फिट इन रहता है, ताकि हम लाइंस की बेयरिंग निकाल सकें। अगर मैं टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हूँ, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिंग। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली है, जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करता है वर्टिकल प्लेन में। और अगर मैं थियोडोलाइट को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करूँगी, तो इसे हम बोलते हैं स्विंगिंग अ टेलीस्कोप। थैंक यू।